बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनीस ब्लॉग। अच्छा जी, एक ब्लॉगर साहिबा हैं, उन्होंने दावत रखी अपने घर में ईद के तीसरे दिन। काफ़ी वज़नी खातून है। अच्छा जी, उन्होंने एतराज़ किया है कि मिल बांट के खाने और दावत करके खाने में ही मज़ा होता है, ये क्या जी कि अकेले अकेले पकाया और अकेले अकेले खा लिया। बीबी, अगर आप अपने घर में दावत कर रही हैं तो ये आपका पर्सनल मैटर है, आपको दूसरों के पर्सनल मैटर नहीं खंगालने चाहिए। जब हम आपके मजमा इकट्ठा करने और दावत करने पे एतराज़ नहीं कर रहे, तो आप दूसरों का अकेले खाने पे एतराज़ क्यों कर रही हैं? अब रही बात अकेले खाने की, जिस पे आपने एतराज़ किया कि अकेले खाने में क्या मज़ा, सबको मिल बांट के बुला के खाना चाहिए, तो आप मुझे ये बताएं कि अकेले खाने और अकेले अकेले खाने पे जो आपने एतराज़ किया है, तो कब्र में मर के जाने के बाद भी तो बंदा अकेला ही जाएगा ना, या वहाँ भी आप पूरे दावत पहले दावत को लेके जाएंगी, या वहाँ पे दावत करती भी कब्र में उतरेंगी? भाई सबके साथ जाएंगे, दावत करते हुए कब्र में उतरेंगे? नहीं भाई, नहीं, अकेले नहीं जाएंगे। जैसे आपने यहाँ कहा ना कि अकेले खाने का क्या मज़ा, दावत करके खाना चाहिए, है तो कब्र में भी जो मुझे यही लगता है कि आप अकेली नहीं जाएंगी, वहाँ भी सबको लेके जाएंगी। कब्र में भी तो बंदा अकेला जाएगा ना, है कि नहीं? कि आपको दूसरों के अकेले खाने पे, और आप कौन सा इतना तीर लगा लेती हैं दावत करने में, दूसरों के लाइफ स्टाइल पर आपको बड़ा एतराज़ है। पहले आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे तो तवज्जो दें। वज़नी औरत हर वक्त खाना पकाना, दावत, जब भी तो वज़न देखो कहाँ जा रहा है, हर वक्त काम धंधा ही यही है, खाना पकाना, वज़नी औरत है। अच्छा, अब तुमने जो है एतराज़ कर ही लिया है अकेले बैठ के खाने पकाने और खाने पे, तो फिर अपने बारे में क्या ख्याल है? उस दिन मैदान जब तुम इतना कह रही थी, पप्पा ने मेरे से हाई वे तक गाड़ी चलाई, पप्पा के साथ मैं शुरू की चलाई, फिर मैंने ऊपर से काटी गाड़ी, फिर मैंने नीचे से काटी गाड़ी। अब मैं बहन सीधा सीधा मान लो, तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। जब भी तो बच्चों की तरह मैदान में गाड़ी चलाना सीख रही थी, गोल गोल घुमा रही थी गाड़ी, पागलों की तरह ऑल्टो टोल्टो, साबुनदानी कहते हैं हमारी जबान में उसको, ऑल्टो को ना साबुनदानी, चलानी आ नहीं रही थी। है मेरे पप्पा के साथ यहाँ चलाई थी बहन, बुरका उतार के गाड़ी चलाया करो, ऐसा ना तुम्हारा बुरका जो है ना एक्सीलेटर में फंस गया, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो लिहाजा अब नहीं बोलना, अगर बोली तो फिर अच्छा नहीं होगा। आप पकाए ना, आप पूरे पूरे शहर को जमा करके पका के खाए, हमने कब खाए? ज़्यादा खाने पकाने और ये दावतें करने का तो नतीजा है, वज़न देखो कहाँ जा रहा है, वो फटके हैं। आसिम जोफा के कपड़े पहनूंगी मैं, वज़न कम कर लो ना तो 2000 का जोड़ा भी अच्छा लगेगा, उम्मीद है ये पक्की आपके लिए काफ़ी होगी।